अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, बच्चे बच्चियाँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कटलेट्स, और इसके लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, और यहाँ पर मैंने एक टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ भून लिया और उसे कूट लिया है, और टू टेस्ट नमक, एक टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून काली मिर्च, बस ये तमाम चीज़ें होंगी। आलू को मैंने उबाल के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, इससे ज़रा ये आलू टाइट हो जाते हैं। अब इसे हम कद्दूकश कर लेंगे, कद्दूकश कर लें या हाथ से कुचल लें, किसी भी चीज़ के साथ, कोई मैशर के साथ कोई मसला नहीं है। आलू हमने कद्दूकश कर लिया, अब इसमें काली मिर्च, चाट मसाला, कुटी मिर्च, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ और नमक, ये डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। ये 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब यहाँ मैंने ये 2 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, इससे क्या होगा, अच्छा सा ये इसका टेस्ट बन जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसका नमक चखती हूँ, मिर्च चखती हूँ। अब इसमें नमक कम था, नमक भी मैंने डाल दिया, नमक आप 2 टेस्ट रखें, बाकी तमाम चीज़ें इसमें बिल्कुल फिट आई हैं, टेस्टी है सब कुछ। नमक चख लिया मैंने डालने के बाद, और अब इसको रखते हैं और फिर इसकी टिक्की बनाते हैं। अब हम आलू के बॉल बना लेते हैं और फिर इसके बनाते हैं कटलेट्स। ये देखिए, इस तरह गोल गोल किया और फिर ऐसे, इस तरह से, फिर घी का या ऑयल का हाथ लगा लेंगे, इसी तरह से फिर ये बनाएंगे हम। फिर ऐसे बना लेंगे, अभी अंडे की अंदर डिप करते जाएंगे और इसको शेडो फ्राई करेंगे, यानी कम घी में इसको हम तलने वाले हैं। तीन से चार मिनट के बाद हम इसको पलटना शुरू होंगे, क्योंकि आलू है इसमें, उबले हुए आलू हैं तो वो फिर टूटने का अंदेशा होता है। और ये अच्छे से गोल्डन हो गए, वही कलर जो मैं चाहती थी, ये वही कलर आया है, और बस इसे अब हम चाय के साथ खाएंगे। झटपट से बन जाने वाला ये आलू का बेहतरीन सा नाश्ता, जो चाय के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, जैसे दिल करे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो फिर बेल आइकन का बटन भी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।